हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गुड फूड चैनल। आज हम लौकी थेपला बनाएंगे, जिसे घिया भी बोला जाता है या कद्दू भी बोला जाता है। यह एक गुजराती डिश है। एक खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या सामग्री लिए हैं। इसके लिए एक गोल वाला कद्दू का हाफ पोर्शन को कट करके लिया है। ये वजन में 500 ग्राम है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे पीलर से छीलकर ऊपर का डंठल को काट के हटा दिया है और इसे हम चार भाग में काट लेंगे। इस तरह से हमने चार भाग में काट लिया है ताकि ग्रेटर से ग्रेट करने में सहूलियत हो। कद्दू का ऊपर का पार्ट का हम ग्रेटर के महीन तरफ से कद्दूकस करेंगे और बीच का जो सॉफ्ट पल्प है उसे हम छोड़ देंगे। इस सॉफ्ट पल्प को हम कद्दूकस नहीं करेंगे। इसे आप सूप या सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लौकी ग्रेट कर लिया है। इसमें जो बीज वगैरह आ गया है उसे हम हटा देंगे। किसी किसी लौकी में पानी बहुत होता है, आप देख सकते हैं इससे भी बहुत पानी अलग हो गया है। तो इस पानी में से निचोड़ कर हम ग्रेट किया हुआ लौकी यूज करेंगे। यह करीब 1 या 1.25 कप के करीब है। तो अब इससे हम एक परात में ले लेंगे। इसे हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को हमने क्रश करके लिया हुआ है। आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। 2-3 चम्मच से बारीक कटा हरा धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और हाथों से सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप गेहूं का आटा मिला देंगे। साथ ही 1/2 कप दही लिया है, उसे भी इस मिश्रण में ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून घी मिला देंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी और दही मिलाने से थेपला बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए डो तैयार करेंगे। इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। अगर जरूरत पड़ा तो जो कद्दू का पानी निकला है उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और हमने इसमें पानी भी नहीं मिलाया है क्योंकि इस कद्दू में बहुत पानी था। आप देख सकते हैं इतना पानी कद्दूकस करने में निकला है। इसे आप आटा गूंथने में या सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फिर बाद में हम थेपला बनाएंगे। 5 मिनट हो गया है, आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। थेपला बनाने के लिए हमने सूखा आटा लिया है। सूखा आटा छूकर हम इससे पेड़ा बनाएंगे। आप इसका पेड़ा अपने अनुसार थोड़ा छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ पेड़ा बना लिया है। थेपला बनाने के लिए एक पेड़ा को आटे में डिप कर इस तरह रोटी की तरह बेल लेंगे। अगर ये चकले में थोड़ा चिपकने लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें। तो इस तरह से हम इसे चारों तरफ से एक समान पतला ही बेलकर तैयार करेंगे। गैस पर हमने पहले से तावा गर्म होने के लिए बैठा दिया है। तावा गर्म हो गया है, तो अब हम इसे घी या तेल से ग्रीज कर लेंगे। ऐसे तो ये नॉन स्टिक तावा है, पर आयरन वाला तावा को जरूर ग्रीज कर लें। अब हम इस पर बेला हुआ थेपला को डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। एक तरफ से सिक जाने पर यानी कि हल्का ब्राउन चीती आ जाने पर पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। दोनों साइड सिक गया है तो अब हम इसमें घी लगाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे हल्का हल्का चारों तरफ से दबाते हुए उसे उलट पलट करके हम इसे सेक लेंगे। इसे लो फ्लेम में न सेके क्योंकि इससे थेपला टाइट भी हो सकता है। इसी प्रोसेस से हम सारे थेपला बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच बॉक्स में या सफर में भी इसे ले जा सकते हैं।
या टी टाइम स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। इसमें किसी सब्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे आप अचार, चटनी या दही या रायता के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हेल्दी और स्वादिष्ट थेपला बनकर तैयार है, तो आप ही अपने किचन में इसे जरूर बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।